नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने महानगर वासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राप्ती नदी के तट पर 3 पोखरे बनवाए गए हैं, जिसमें पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने सभी आयोजकों से अपील किया है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही मूर्तियों का विसर्जन करें। अगर किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो सीधे नगर आयुक्त यानी कि हमसे बात कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का तत्काल निदान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से विशेष बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, सबसे पहले मेरी तरफ से समस्त नगरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सम्मानित नागरिकों को ये बताना चाहेंगे कि नगर निगम की ओर से मूर्ति विसर्जन की पूर्ववत पिछले सालों की भांति व्यापक व्यवस्था की गई है, लेकिन साथ ही ये भी अपील करना चाहेंगे कि मूर्ति विसर्जन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम लोग आएँ यथासंभव, और नगर निगम की ओर से सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यही अपील रहेगी कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और इन दोनों के साथ ही अपने भक्तिभाव और अपने श्रद्धा से पूजन करें और एक साथ एक बार फिर सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।